तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ध्रुव वराठी के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव वराठी को इस चीज पर इनडायरेक्ट रिप्लाई दिए? जहां गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि लास्ट दो दिन से इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वाला सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स होते जा रहा है। वहां पर पूरा वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है एंड ऑफकोर्स लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं एंड कुछ लोग पैलेस्टाइन के साथ। बट दो साल पहले ध्रुव वराठी अपने चैनल में इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे, जहां से एक पर्टिकुलर क्लिप ट्विटर में काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। पहले आप वो क्लिप देख लो। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विथ ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है। बड़ा ऑब्वियस है, इसराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इसराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं, जिन्हें इसराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल का। अब जो लोग इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं इन दिस सिचुएशन, उनको ये वाला ओपिनियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड एक पर्टिकुलर ट्विटर अकाउंट भी उनके वीडियो को ट्वीट कर दिए थे। बट अपेरेंटली कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि उनके ट्वीट को टेक डाउन करवा दिया गया। जी हां, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट डाल के ध्रुव वराठी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने टेक डाउन करवाया। वेल, इसके बाद फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से एक ट्वीट आया ऑन दिस सिचुएशन, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसराइल हैज टू स्टैंड अप एंड डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट, हैशटैग इसराइल। तो उन्होंने जो यहां पर कोट यूज किया, आप लोगों को याद होगा ध्रुव वराठी भी सेम कोट बोले थे अपने दो साल पुराने वाली वीडियो में। तो वही लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे कि ध्रुव वराठी को उन्होंने इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया। बट यार लगता है कि इस सिचुएशन में ध्रुव वराठी की तरफ से भी एक वीडियो आने वाला है, क्योंकि कल वो एक ट्वीट किए थे, टू अंडरस्टैंड द फुल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, वॉच दिस ओल्ड वीडियो ऑफ माइन, विल रिलीज अ वीडियो ऑन द लेटेस्ट इवेंट्स आल्सो सून। मतलब जल्द ही उनके तरफ से भी वीडियो आने वाला है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग बीस, तो कल वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच को देखने गए थे एंड वहां पर उन्होंने एक चीज नोटिस किया। वो शेयर करके बोले, पिक वन, एम्प्टी सीट्स व्हेन मैच स्टार्टेड, पीपल विल कम इन द इवनिंग, पिक टू, इवनिंग, सीट्स एम्प्टी, बुक माई शो, टिकट सोल्ड आउट बट आउटसाइड स्टेडियम ब्लैक टिकट्स। मतलब कि भाई बुक माई शो वगैरह में टिकट सोल्ड आउट दिखा देता है बट स्टिल स्टेडियम के बाहर ब्लैक में टिकट्स बेचे जाते हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज मैच, तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए एंड इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, वो है केएल राहुल एंड विराट कोहली। जब इंडिया 2-3 डाउन हो गए थे तब ये लोग दोनों खड़े हुए एंड वो जिताए अपनी टीम को। एंड विराट कोहली के ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर किसी ने ये पोस्टर दिखाया, कोहली भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, कोहली भाई। एंड चलिए कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी देख लेते हैं कल के मैच के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी ये ट्वीट किए, टफ टाइम कॉल किंग कोहली। टोटल गेमिंग बोले, हमारे विराट कोहली भाई के सामने कोई बॉलिंग कर सकता है क्या, विराट भाई। एंड देन कल केएल राहुल भी ऑलमोस्ट एक सेंचुरी मार लिए थे, बेसिकली इंडिया को 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो वो एक 4-6 मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना सेंचुरी कंप्लीट कर ले। बट जैसे ही वो 4 मारने गए थे उनका शॉट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया एंड वो 6 चला गया, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए डिसअपॉइंटेड थे। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कॉमिक वर्स एक ट्वीट किए थे, आई हैव नेवर सीन समवन सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर हिटिंग अ 6, केएल राहुल डिजर्व्ड अ सेंचुरी दो। एंड तन्मय भट्ट तो सिंपली ये वाला फोटो ट्वीट किया, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा क्यों। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिए, जहां कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो ट्वीट करके दिखाया कि उनका स्क्रिप्टिंग वगैरह चालू हो गया एंड वो नीचे बोले, इट्स गोना बी अ लॉन्ग मंथ गाइस, विश मी लक। एंड इसके बारे में फर्दर बात करते हुए वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में ये बोले, चलो मेरे एसिवियंस, तुमको एक अच्छी खबर देते, काम चालू है, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ी चैलेंजिंग है बट मजा आएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे मालूम है तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड तुम लोग सबका सपोर्ट है, इतना टाइम वेट किया, आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू गाइस, I love you। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मनीषा एंड एल्विश वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान एल्विश यादव के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर करवाए? मनीषा रानी इसके ऊपर अपना एक क्लियर स्टेटमेंट दी। यस गाइस, एक इवेंट के दौरान जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया तब वो क्लियरली बोल दी, एज फार एज आई नो, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक कभी भी ऐसा कुछ कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता है कि अभिषेक ये सब करे। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो कल उनका एक लाइव शो अनाउंस हुआ। जहां गाइस उनका दिल्ली में एक लाइव शो होने वाला है एंड वो बहुत दिन से बोल भी रहे थे कि उनको करना है ऐसा शो। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कीर्ति मेहरा के बारे में। तो क्या कीर्ति मेहरा बिग बॉस 17 में जाने वाली है? Well guys, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिग बॉस 17 पर स्टार्ट ही होने वाला है अक्टूबर 15 से। बट ये स्टार्ट होने से पहले कल अज्जू 0008 के चैनल में कीर्ति मेहरा के साथ एक व्लॉग आया था एंड उसको देखकर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कीर्ति मेहरा हिंट्स दे रही है कि वो बिग बॉस में आने वाली है। आप खुद ये क्लिप देख लो। 15 तारीख को क्या खुशखबरी आ रही है यार? आप
गाइस सिर्फ अभी नॉन लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता चलेगा और ये सब भाई नहीं बता सकते, बट बहुत तगड़ी चीज आ रही है मैं बता रहा हूँ। मतलब तुम सोचो कि ये वहाँ कैसे जा सकती है, पर चली गई। अरे वो यार 17 तारीख को एंट्री दिख जाइए और अरे नहीं बोला 15 तारीख को बताया है कि वो जा रहा है, उसका हमेशा कैंसिल हुआ है तो इसलिए इसने बताया नहीं। ऑफ कोर्स ये व्लॉग आने के बाद बहुत सारे लोग उनसे जाकर सवाल पूछने लगे, तो वो अपने स्टोरी में बोली कैसे करके मानोगे सब, थोड़ा रुक जाओ बताऊंगी मैं खुद सरप्राइज के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत को बहुत सारे रियलिटी शोज की तरफ से ऑफर्स आ रहे हैं एंड इस पर वो रिस्पॉन्ड किए। जी हाँ, वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। बहुत सारे रियलिटी शोज से अपने को अभी कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब बुलाया जा रहा है हमें, लेकिन मैंने घर पे बात करी और वही पुराने वाला रफड़ा कि भाई नहीं रहने दे, तेरा YouTube इतना बढ़िया चल रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, खुद का घर है, फैमिली तेरी खुश है, दोस्त तेरे खुश है, लेकिन जाना ही क्यों वहाँ पर? क्योंकि वो उन्होंने पिछले रियलिटी शो देखे ना, पिछले देखे तो उनको ये हुआ भाई कितनी लड़ाइयाँ होती हैं बेफालतू, और हमारे दुश्मन वैसे ही कम है, हम दो चार और बना ले, शो में जाए वहाँ पर कुछ ऐसा काम हो जाए और ज्यादा हेटर हो जाए। तो मम्मी कहती है अपना आराम से जिंदगी जियो, दो दिन की जिंदगी है, जरूरी है इतनी ज्यादा भागदौड़ करनी है, अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहो, घूमते रहो। और मेरे को भी सही लगा कि हाँ भाई सही कह रही है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो आपने एक टाइप के कमेंट जरूर देखा ही होगा यार यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में, वी वॉन्ट दी ओल्ड मिथपैट बैक, वी वॉन्ट दी ओल्ड ट्रिगर्ड इंसान बैक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन कमेंट्स के ऊपर मिथपैट रिएक्ट किए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। बहुत बार मैं देखता रहता हूँ कि लोग कमेंट करते हैं ओल्ड मिथपैट, ओल्ड बिस्पेशियो, बट लाइक लोगों का ये बहुत ओल्ड ओल्ड वाला चीज बहुत होता है। एक दिन मैं बता रहा हूँ हम सब ओल्ड होने वाले और मरने वाले हैं, तो प्लीज वो ओल्ड वाला चीज पहले तो कमेंट मत करो। दूसरी चीज क्या ही होता है ओल्ड, मतलब लाइक फॉर मी, ओके मैं पर्सनल मैं खुद के बारे में बात कर सकता हूँ कि ओल्ड मिथपैट, ओके जिसने चैनल की शुरुआत की थी, मैं बता दो तुम लोग को वो क्या था, ये ओल्ड मिथपैट था। अरे यार इतनी मेहनत ली फिर भी मेरे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर है यार। मैं कर सकता हूँ अभी ऐसी बात, शादी हो गई है मेरी, 25-26 साल का होने वाला हूँ, नेचुरली आता नहीं है मेरे अंदर से, एज ए इंसान तो मैं ग्रो होगा ना। पॉइंट इज कि ओल्ड मिथपैट, ओल्ड बीस्ट बॉय शुभ सब ओल्ड होके मर गए, अभी जो है वो नए है। एंड आई नो तुम लोग को नए देखने हैं नहीं देखने हो, तुम लोग का चॉइस है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी आज एक बहुत ही सीरियस ट्वीट किए, उन्होंने कहा वेरी वेरी सीरियस, ठीक होने के बाद ही सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, जिसके नीचे ऑफ कोर्स सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि टेक केयर भाई, अच्छे से आप आराम करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है उन्होंने नहीं बताया, बट जैसे कुछ अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सुनील शेट्टी के बारे में। तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूनिटी खत्म हो गया है? वेल ऐसा सुनील शेट्टी को लगता है, क्योंकि वो अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बोले आजकल जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं तो कोई उनको डिफेंड ही नहीं करता है, कोई भी एक दूसरे के लिए स्टैंड अप नहीं करता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब लोग वीक बन चुके हैं। क्या आप इस चीज पर उनसे अग्री करते हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले शाहिद कपूर एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शाहिद कपूर को एक चीज काफी ज्यादा इरिटेट करता है, जहां गाइस वो अपने इंटरव्यू में बोले व्हेन ही वाज एन अपकमिंग एक्टर, उनका करियर बस स्टार्ट हो रहा था, तब बहुत सारे लोग उनको शाहरुख खान से कंपेयर करते थे कि ही इज द नेक्स्ट शाहरुख खान। तो इस चीज के बारे में बोले कि ये चीज वर्स्ट चीज है इस इंडस्ट्री का, ऐसे कंपैरिजंस क्यों किए जाते हैं कि हम लोग कोई सक्सेसफुल आदमी का सेकंड वर्जन बन रहे हैं, हम लोग क्यों नेक्स्ट वर्जन बने ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हम लोग अपना इंडिविजुअल सेल्फ भी तो बन सकते हैं। सो यहां तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक जोक प्लैनेट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन अंशु बिष्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन आचार्य प्रशांत ने कंप्लीट कर चुके हैं 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली इंटरोगेटिव फैक्ट्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इवेंट के बारे में, जहां पर एक स्ट्रीमर को लाइव रॉब कर लिया गया। जहां गाइस स्ट्रीमर अनॉइंट टीवी ऐसे ही लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड अचानक से उनके साथ ये हो गया। नो अपेरेंटली जो रॉबर था वो यहाँ पर रुका नहीं, वो अपने इंस्टाग्राम में जाकर उनका चेन जो चुराया हुआ चेन था उसका वो फोटो पोस्ट करने लगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का जो नया वीडियो है उस पर काफी बढ़िया उनको रिस्पॉन्स मिला है, उन्होंने ट्वीट करके भी दिखाया कि उनका रियल टाइम व्यूज लास्ट 48 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली 292 मिलियन है। एंड बात कर लेते मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के सब्सक्राइबर ग्रोथ कंपैरिजन के बारे में, तो
सितंबर मंथ में मिस्टर बीस्ट के 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हुए थे एंड टी सीरीज के खाली 1.8 मिलियन। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो अभी तो काफी बड़ा गैप है, बट मिस्टर बीस्ट हर मंथ 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर गैप को कम करते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही उनका ग्रोथ होते रहा तो नेक्स्ट ईयर दिस टाइम वो शायद क्रॉस कर लिए होंगे टी सीरीज को। बट एनीवेज चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यह सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।